हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। आपका भाई साद वापस आ गया है आपके लिए एक और वीडियो लेके। मेरे पीछे फ्रूट वगैरह देख के आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने सब्जी का ठेला लगा लिया है इधर। नहीं भाई, सब्जी बेचने हमारी औकात किधर है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूके की सुपरमार्केट में शॉपिंग होती है और ये एशियन स्टोर्स वगैरह कैसे दिखते हैं इस एरिया में। मैं हूँ इस टाइम बौद्ध ग्रीन के एरिया में एक छोटी सी सुपरमार्केट में, तो आए शॉपिंग करते हैं और साथ में देखते हैं कि कैसे लगती है यूके की सुपरमार्केट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने फ्रूट का सेक्शन शुरू हो चुका है। इधर सामान बाउल वगैरह में भी मिलता है और खुला भी मिलता है। जिसको बाउल पसंद है वो बाउल उठा ले, £1 का वन बाउल, और जिसको अपनी चॉइस से उठाना होता है सामान वो वैसे भी उठा सकता है। हर कुछ चीज़ अवेलेबल है। तो क्यों ना हम पहले ये येलो मेलन से शुरू करें। 150, ये तो आज काफ़ी रेट इसका सस्ता है। नॉर्मली ये तो 250 के करीब होता है। और आगे अपना, अगर आपको कभी तंदूर वगैरह है या कोई हांडी की ज़रूरत पड़े वो भी इधर मिल जाएगी। अभी यूके भी एक किस्म का अपना देश बन रहा है। हर कोई चीज़ अवेलेबल है। मीट, कोयल मीट, डियर मीट, हैन, मीडियम चिकन, बेबी चिकन, और ये है इनका चिकन काटने वाला एरिया। यहाँ पे ज़िबा नहीं करते, वो तो स्लाटर हाउस से ही आएगा, बस यहाँ सर्विस देते हैं। और ये है इधर के मसाले सारे। हर किस्म का मसाला अवेलेबल है। और ये ईस्ट एंड कंपनी जो कि एक इंडियन सिक्स चला रहे हैं, अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये सारे मसाले इनके इंडिया से इंपोर्ट होते हैं और इधर पैकेजिंग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये मसाले और राइट हैंड साइड पे ये टिश्यू। और यूके में चलता ही टिश्यू है, क्या करें भाई, इनको लोटों का शौक नहीं। आगे चलते हुए ये हाउस होल्ड सेक्शन आ गया। क्यों ना ये फ्रेशनर भी उठा लिया जाए, सस्ता लगा दूसरी सुपरमार्केट से कंपेयर करते हुए। हम भाई सस्ते लोग हैं, सस्ता माल उठा सकते हैं बस। ये आगे अपने पाकिस्तान के मसाले शान, क्योंकि ये पाकिस्तानी एरिया है, ज़्यादा इधर कंपेयर पाकिस्तानी है। लेस्टर में ज़्यादा इंडियन दिखने को दिखेंगे, इसलिए डिपेंडिंग ऑन एरिया ये उस हिसाब से चीज़ें रखते हैं। ये शान पाकिस्तानी स्पाइसेस हैं, ज़्यादा बिकती हैं, इसलिए अगर आपको MDH वाले अंकल की स्पाइसेस चाहिए तो वो सोहर रोड पर मिलेंगी, उधर सारा इंडियन वगैरह है। इसलिए इधर बोझले ग्रीन में सब पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी स्पाइसेस। चूहों का भी बहुत प्रॉब्लम है भाई यूके में, ये ना सोचने तो चूहे नहीं मिलेंगे। सब लॉन्ड्रीज एवरीथिंग इस सुपरमार्केट में मिल जाती है, केटरिंग स्टफ, हाउस होल्ड स्टफ, लॉन्ड्री। और इसकी प्राइसेस कंपेयर करें तो लोकल ट्रेड प्राइसेस ठीक है। ये राइस बैग्स इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान, अरेबिया। ये आगे पेट सेक्शन। यूके में हर किसी के पास पेट होता है, तो पेट फूड भी होगा। आगे जाके आ जाती है एसेंशियल सर्विस। अभी आप बड़ी सुपरमार्केट सच एज अजदा टेस्ट को जाए, आपको ब्रेड 120 के करीब मिलेगी। इन्होंने ब्रेड £1 की लगाई है, हैज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। शुगर भी चाहिए, हम शुगर भी उठाते हैं अपने लिए। और प्राइस देखते हैं, £1 काफ़ी ऑलराइट है, एज ए सुपर मार्केट की प्राइस ही होती है इधर की। अंडे भी इधर है, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती, हर वक्त सामान मिलता रहता है। ये पाकिस्तान से इम्पोर्टेड स्टिंग। आगे चल के ये हमारे आ जाता है स्वीट सेक्शन। इधर सब पाकिस्तानी चीज़ें, शान कस्टर्ड, जेलीज, रसमलाई, सब कुछ अवेलेबल है इधर। नूडल्स और ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है इधर। और यूके में तो ज़्यादा चलती ही चाय, तो इसलिए आप देख सकते हैं इन्होंने तो पत्तियों के ढेर लगा के रखे हुए हैं। टी बैग्स ऑलमोस्ट
रन आउट हो जाते हैं, इसलिए ये स्टॉक में लगा के रखना पड़ता है। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, पास्ता, इधर हर शॉप में आप जाओगे अपनी चॉइस से जो सामान उठाना है उठा सकते हो, डेट चेक करके एवरीथिंग। और इधर आउट ऑफ डेट स्टफ तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने देख लिया कि आउट ऑफ डेट स्टफ पड़ा हुआ है तो समझ जाएं आप उसको क्लेम मान लो, इसलिए ये सुपरमार्केट वाले आउट ऑफ डेट रेगुलरली चेक करते हैं। क्यों ना हम भी अपने नाश्ते के लिए थोड़े से रस उठा ही लें। ये पाकिस्तानी बिस्किट आगे 3-4-1-40, आपको दिखाता चलें। ये सेवरीज भी हैं इनके पास। सुपरमार्केट अपनी पूरी ट्राई करते हैं कि हर किस्म के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, टिन फूड, और इधर मोस्टली टिन फूड बहुत ज़्यादा बिकता है। इधर ये आप देख सकते हैं पालक साग, टमाटो प्यूरी, टमाटो टिन्स, चिक पीस, और ये काफ़ी सस्ते होते हैं। लाइक लोग कहते हैं उबालने से अच्छा टिन वाले ले लें, 50p ओनली। अगर आप दूसरी दालें देखें तो वो 1 pound की वैसे ही आ जाती है इतनी। आप देख सकते हैं इधर काफी कुछ केक्स वगैरह, बिस्किट, नाश्ते का सामान, जलेबी, नमक पारे, हर चीज इन्होंने अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की ट्राई की है। हनी हम भी ये नहीं ले लें, 299 का लगा है, काफ़ी अच्छी प्राइस है। तो आप देख सकते हैं इधर काफ़ी सामान अवेलेबल है, चॉकलेट वगैरह एवरीथिंग। ये इनका स्पेशल प्राइस एरिया, इधर डिस्काउंटेड प्राइस देते हैं जो कोई ऑफर में लगा हो। काफ़ी चीज़ें स्टॉक में रखी हुई हैं। फिर आ जाता है ये फ्रीज़र, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न एवरीथिंग, जो लोग फ्रोज़न पसंद करते हैं, पराठा, फ्राइज, समोसा, रोल, नगेट्स, वेफल्स, बर्गर्स, एवरीथिंग फ्रोज़न, टिन, सब अवेलेबल है। आप देख सकते हैं आइसक्रीम भी इस मौसम में चलेंगी। आगे चलते हुए हम आ गए हैं ड्रिंक्स के एरिया में। ये है हमारा ड्रिंक्स का एरिया, आप देख सकते हैं इधर उन्होंने पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जूसेस, स्मॉल बॉटल्स, बिग जूसेस, ड्रिंक्स, जिस किसी को अपनी चॉइस की लेनी हो वो इधर आ सकता है। इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, रूह अफजा, जाम शीरी। फिर आगे जाके वाटर आ गया हमारे लिए, यूके में भी वाटर मिलता है कि भाई हमें टैप वाटर नहीं पीना, एटीट्यूड है भाई लोगों का, अमीर लोगों का, हम क्या कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कर्टन्स भी हैं, जिस किसी को केस लेना हो वो केस उठा सकते हैं अपने लिए। रेड बुल, एनर्जी ड्रिंक्स, चीप एनर्जी ड्रिंक, LSV, लेकिन टेस्ट भी होता है। वापस हम आ गए अपने वही ब्रेड के एरिया में, और हमारे फिर अभी इस साइड पे आ गई हैं फ्रिजेस। आप देख सकते हैं सब कुछ है, योगर्ट, बटर, सैंडविचेस, करीबी है भाई, मीट आलू है आज इनके पास। आपको कभी मीट आलू खाना हो तो आइएगा ज़रूर। हम क्यों ना मिल्क उठा लें, डेट इनकी देखें 29 दिसंबर, लॉन्ग लाइफ है। ये इस तरह मिल्क मिलता है इधर, हमारे उधर पैकेट मिलता है, इधर इस तरह मिल्क देते हैं। योगर्ट भी है, चीज़, आगे जाके कोल्ड ड्रिंक्स आ गई। कोल्ड ड्रिंक्स भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है,
अगर आप इधर देख सकें टिशू के बड़े पैकेट, उधर स्मॉल पैकेट थे, इधर बड़े पैकेट, डिपेंडिंग ऑन साइज अगेन। टॉय सेक्शन, बच्चे इधर आके सही इनका सामान ख़राब करके जाते होंगे ज़रूर, हमारी तरह हम भी बचपन में ज़मीन पे लेट जाते थे। अगर इस साइड पे घूमें तो फिर ड्राई नट्स आ जाते हैं हमारा, आप देख सकते हैं हर कंपनी हर किस्म के ड्राई फ्रूट अवेलेबल है। कभी हलवा बनाना हो तो उठा लीजिएगा, बहुत मिलता है इधर सामान। हम भी यूके सोच के आए थे कि कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, लेकिन देख सकते हैं आप हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है सुपरमार्केट्स में। अभी तो ये अपना देश ही बन रहा है। ये इधर खजूरें शुरू होगी, ये पाकिस्तानी च्युइंग गम, डिंग डोंग, शिक्की, चॉकलेट बॉक्सेस, मसाला, इंपोर्टेड, एवरीथिंग अवेलेबल। और अगर इस साइड पे घूमे तो हमारा आ जाता है स्वीट्स, क्रिप्स एंड स्वीट्स सेक्शन। और रेवड़ी भी है, उठा लो एक पैकेट। ये आगे देखिए यूके की चॉकलेट्स, जिसकी खातिर लोग हमें फोन करते हैं कि जब आओगे तो लेके आना। सिंगल स्वीट्स, मल्टी पैक स्वीट्स, एवरीथिंग अवेलेबल। एकदम हमारे जैसे किराना स्टोर समझ लो। च्युइंग गम पैकेट, अगर पीछे देखें तो कुछ हाउस होल्ड हो भी पीछे वैल्यूएबल सच एज पैम्पर्स, बेबी मिल्क, हैंड सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, सोप, सस्ता सोप भी। और पीछे जाके और इनका काउंटर एरिया आ जाता है। चलते चलते ये आ गया छोटा सा सिगरेट का सेक्शन, जहाँ पे सिर्फ यूके सिगरेट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रिजला भी अलाउड है। आप सोच रहे होंगे कि भाई दारू नज़र नहीं आ रही, तो भाई ये हमारी एक मुसलमान एरिया में मुसलमान शॉप है, इसलिए यहाँ पे दारू नहीं रखी जाती। दारू के लिए आपको कोई अंग्रेज या अपने किसी के पास जाना होगा। तो अब हम आ गए हैं अपने काउंटर एरिया पे, अभी इधर देखेंगे कि हमारा बिल किस तरह बनता है और कितना बनता है। सामान ले लिया है, बैग उठा लिए हैं। वैसे तो यूके में 5 पेंस पर बैग देते हैं, लेकिन थैंक्स टू दिस काइंड शॉपकीपर्स ये हमें फ्री में ही बांट रहे हैं कि भाई ले जाओ लेकिन हमसे शॉपिंग कर लो। तो चलिए अभी बिल करवाते हैं। How much do I owe you, sir? Okay, so receipt mil gaya 948. Abhi hum inko apna paisa denge aur chalte banenge. That's 10 pound for you. You can keep the change for me. So ye thi hamari aaj ki video. Humne apni shopping puri kar li hai. Ab hame ijazat dijiyega next video tak. Hopefully hum aapke liye ek aur achhi video leke aayenge is tarah ki. Agar aapko ye video achhi lagi to please subscribe to my channel and don't forget to share the video. तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। ओके, बाय।